और तुम लोग बात पोशीदा रहो या जाहिर, वो तो दिलों के भेदों तक से वाकिफ है। क्या जिसने पैदा किया वो इल्म नहीं रखता? वो तो पोशीदा बातों तक का जानने वाला है, हर चीज से आगाह है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को हमवार और पस्त बनाया, तो उसके रस्तों में चलो फिरो और अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाओ, और तुमको उसी के पास कब्रों से उठकर जाना है। क्या तुम उससे जो आसमान में है बेखौफ हो कि तुमको जमीन में धंसा दे और तभी वो थरथराने लगे? क्या तुम उससे जो आसमान में है निडर हो कि तुम पर कंकर भरी हवा छोड़ दे, सो तुम अनकरीब जान लोगे कि मेरा डराना कैसा रहा। और जो लोग इनसे पहले थे उन्होंने भी झुठलाया था, सो देख लो कि मेरा कैसा अजाब हुआ। क्या इन्होंने अपने ऊपर परिंदों को नहीं देखा जो परों को फैलाए रहते हैं और उनको सुकेड़ भी लेते हैं? रहमान के सिवा उन्हें कोई थाम नहीं सकता, बेशक वो हर चीज को देख रहा है। भला ऐसा कौन है जो तुम्हारी फौज बनकर रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद कर सके? काफिर तो धोखे ही में है। भला अगर वो अपना रिस्क बंद कर ले तो कौन है जो तुमको रिस्क दे सके? लेकिन ये सरकशी और नफरत में फंसे हुए हैं। भला जो शख्स चलता हो मुंह के बल औंधा, वो ज्यादा राह रास्त पर है या वो जो सीधे रास्ते पर सीधा चल रहा हो? कह दो वही तो है जिसने तुमको पैदा किया और तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए, मगर तुम कम ही एहसान मानते हो।